हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। आज मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ एक स्टाइलस पेंसिल का, जो कि सीवन की है स्टाइलस पेंसिल, और इसे मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। ये मुझे 1300 रुपीज़ की मिली है। इसको मैंने टैबलेट के लिए यूज़ किया है, टैबलेट पर यूज़ करके देखा है, और मैंने एंड्रॉयड टैबलेट के लिए ही इसको परचेज़ किया था। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये कैसा काम करती है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने और बहुत सारे स्टाइलस देखे हैं जो उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे थे, उतनी अच्छी स्मूथनिंग से नहीं लिख रहे थे। इसलिए फिर मैंने ये वाला स्टाइलस परचेज़ किया है, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे जो काफ़ी अच्छे थे। इसको परचेज़ करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। पहले मैं आपको स्टाइलस दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का स्टाइलस है, ऐसा बॉक्स मुझे रिसीव हुआ। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दी है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही नॉर्मल पैकेजिंग है, अच्छी पैकेजिंग है, जैसा कि किसी भी गैजेट की पैकेजिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल वगैरह दी हुई है, और ऑनलाइन मैंने इसको परचेज़ किया तो 1299 रुपीज़ का मिला है, क्योंकि मैंने इसके पहले सस्ते वाले भी मंगाए थे बट वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं किए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक मीडियम क्वालिटी का या मीडियम प्राइस का भी मंगा करके देख लेती हूँ। क्वालिटी तो मुझे इसकी अभी तक बहुत अच्छी लगी है, और मैं इसको कब से यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको स्टाइलस दिखा देती हूँ। तो इस तरीके का मुझे स्टाइलस मिला है, जो 1299 में मैंने लिया है। उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा टिप नहीं मिली है, कोई मतलब एक्स्ट्रा जो पिन टिप होती वो नहीं मिली। इसके साथ ग्लव्स मिला है। आप चाहें तो अगर आपको पाम रिजेक्शन यूज़ करना है कि आपके हाथ का असर ना पड़े, तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक मैनुअल दिया है जिसमें स्टाइलस रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं, कैसे इसको आप चार्ज करेंगे, लाइट वगैरह के इंडिकेशन सारी चीज़ें दी हुई हैं। साथ में मुझे अमेज़न का एक कार्ड भी मिल गया है, चार्जर है, इस तरीके का ये चार्जर है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और चार्जर बहुत ज़्यादा वाट का नहीं होना चाहिए, इसमें सारे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है परचेज़ लिंक में, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। और ये कैप है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हैं कि आप कितने वोल्ट तक के चार्जर से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो बेसिक चार्जर होता है रेडमी वगैरह के जो होते हैं फ़ोन्स, उनके चार्जर यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई पावर का नहीं होना चाहिए। और इसको यूज़ करने से पहले मैंने उसमें पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में, अमेज़न में जहाँ से परचेज़ किया है, कि इसको यूज़ करने से पहले 4 घंटे चार्ज कर लेना चाहिए फिर यूज़ करना है, और बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज भी नहीं करना है कि रात में लगा करके सो गए और पूरी रात चार्ज हो रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। जब चार्ज ऑफ हो जाए यानी कि आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चार्जिंग में लगाएंगे तो रेड कलर की बटन जलती है। आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसको ऑन करेंगे और ब्लू कलर की लाइट जल जाएगी, मतलब ये ऑन है, और आप इससे लिख सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इसको लगभग 3 महीने से लगातार यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा जो इसका बैटरी बैकअप है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चलता है, बहुत स्मूथ लिखता है। यस ऑफ कोर्स, आपके पाम को आपको टच नहीं करना, अगर पाम आपको टच करके लिखना है एंड्रॉयड में, तो फिर आप टैबलेट वगैरह में अगर आपको पाम टच करना है तो फिर आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको बहुत देर तक यूज़ नहीं करते हैं ना, तो ये अपने आप स्विच ऑफ भी हो जाता है, स्विच ऑफ इन द सेंस कि अपने आप बंद हो जाता है अगर आप इसकी बटन बंद करना भूल जाए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इससे बैटरी बचती है। और जब आप चार्ज करेंगे तो इसमें रेड कलर की लाइट जलती है, रेड कलर की लाइट का मतलब है कि बैटरी खाली है। जब बैटरी फुल हो जाएगी तो ग्रीन कलर की लाइट जल जाएगी, ग्रीन कलर की लाइट जले तो आप चार्ज से हटा सकते हैं, इससे पता चल जाता है कि बैटरी फुल हो गई है। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।